हेलो पीहू, बहुत तेज बारिश आ गई है गाइस। बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। आज सुबह से बारिश हो रही है और आज पीहू की छुट्टी थी। छुट्टी हो गई है पीहू की, क्यों? क्योंकि बारिश कल सारा दिन हुई और आज भी। यहाँ पीहू क्या कर रही है? फॉरेज की स्पेलिंग लिख रही है। पीहू का आज टेस्ट था इंग्लिश 1 का, जो कि कैंसिल हो गया। कल है इंग्लिश 2। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। एंड बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से। शाम के 4, गुड आफ्टरनून नहीं, शाम के 4 बज रहे हैं। और आज पीहू का स्कूल जो है वो बंद हो गया है। स्कूल पीहू का ही नहीं, एक्चुअली आज सारे स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। एक्चुअली हाई अलर्ट था मुंबई में 3 दिन का, इसीलिए। और मम्मी पापा अभी लेटे हुए हैं, मैं अभी लेटी ही थी, अचानक से बहुत तेज बारिश आई तो मैंने मोबाइल उठा लिया रिकॉर्डिंग करने के लिए कि चलो थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ बाहर का वेदर। बहुत बढ़िया हो रहा है, एकदम ठंडा सा, अच्छा सा, दिखाती हूँ। रुको, ये देखिए बारिश हो रही है और ये होने ही वाली है, काफ़ी लग रहा है देख करके। ओके गाइस, तो मैंने अभी आपको मौसम दिखाई दिया है, बढ़िया सा मौसम हो रहा है। चलिए कुछ अच्छा डिलीशियस खाया जाए। तो यहाँ पे मैंने डिसानो का ये पास्ता मंगाया था अमेज़ॉन से, जो कि 100% दुरम वीट से बना हुआ है और इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको एज ए स्नैक बना सकते हैं, सैलड के रूप में भी इसको आप इसे खा सकते हैं। किसी भी आर्टिफिशियल कलर इसमें मतलब नहीं मिला है, कोई भी फ्लेवर भी नहीं है। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो दुरम वीट और सिमोलिना है, तो अच्छा है, हेल्दी है। आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो, पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी और थोड़ा सा ऑयल डाल करके रखा है। जब ये बॉयल हो जाएगा तब हम फिर इसको बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मम्मी जो है वो वेजीज जो हैं वो कट कर ले रही हैं, जिसमें कि ये अनियन है, टमाटो है एंड कैप्सिकम है। अगर आप ग्रीन चिली वगैरह खाते हैं तो वो भी डाल दीजिए, अच्छा लगता है। बट आज पीहू घर पर है और थोड़ा सा उसको भी देंगे, तो ग्रीन चिली मैं नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इस पास्ता को ड्रेन कर दूँगी, मतलब ये स्ट्रेनर में डाल करके पानी हटा देंगे हम। और मैं इसको बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ ये अगारो का रॉयल हनी कॉम्बो फ्राई पैन, जिसे मैंने अगेन अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया है। और ये काफ़ी अच्छा स्टेनलेस स्टील का पैन है। इस पैन में आप आलू टिक्की और फ्रेंच फ्राइज, बॉयल एग, ऑमलेट, पैनकेक या फिर जैसे मैं पास्ता बना रही हूँ वेजीज़ को आप फ्राई कर सकते हैं। ये 1 लीटर की कैपेसिटी में आता है एंड 22 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन साइज़ है। एंड इस पैन की एक बहुत अच्छी खास बात है कि ये गैस और इंडक्शन दोनों पर ही यूज़ हो जाता है। तो थोड़ा सा ऑयल डाल करके मैंने प्याज को यहाँ पे भून लिया है और इसमें जब प्याज भुन जाएगा तब अपना टमाटर एंड कैप्सिकम भी डाल देंगे। एंड जो इसका हैंडल है वो बहुत ही अच्छा है, इसको इजीली आप उठा के पकड़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा, अच्छे से ये फिक्स्ड है और यूज़ करने में बहुत अच्छा है। 2 ईयर्स की इसकी वारंटी भी दी हुई है। तो मम्मी यहाँ पे इसको भून रही हैं प्याज को, अभी यहाँ पे शिमला मिर्च और टमाटर भी डाल देंगी। एंड जो इसकी लेयर है ना, वो मैंने आपको बताया ये हनी कॉम इसका हेक्सा डिज़ाइन है, तो ये काफ़ी अच्छा है। देखिए आपको शो भी हो रहा होगा, इसका जो नीचे वाली लेयर है वो आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैंने, मम्मी ने यहाँ पे सारे जो वेजीज़ हैं उसको अच्छे से पका लिया, हल्का सा नमक डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स हब और फिर उसके बाद थोड़ा सा सॉस डालेंगे। आपके पास पास्ता सॉस है तो आप पास्ता सॉस डाल दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये जो पास्ता है ये हम इसमें डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप ये पैन भी लेना चाहते हैं तो दोनों ही प्रोडक्ट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड मैं यहाँ पे हम थोड़ा सा चिली सॉस, टमाटो सॉस और जो भी आपको सॉस डालना है वो डाल के इन्जॉय करिए। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने पास्ता वगैरह खाया है एंड मेरा अभी यहाँ पे एक पार्सल आया है। मैंने न्यू बेबी के लिए कुछ कुछ चीज़ें मंगाई हैं, जो ये भी एक है और भी बहुत सारे 3-4 पार्सल आए हुए हैं, तो वो मैं ओपन करूँगी। बहुत सारा सामान है, क्या है वो मैं आपको आगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तो न्यू बेबी की जो शॉपिंग है वो मैंने थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी है।
तो यहाँ पे लव लैब की ये मैंने एक टावल मंगवाई है, जो कि ये इसको रख देते हैं सारे सामान के साथ। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन में आई हूँ और कुछ ग्रॉसरी वगैरह आई थी, जैसे दाल वगैरह ख़त्म थी तो वो आगे रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं उसको भर देती हूँ, तो मम्मी जब भी बनाएंगी तो इजीली उनको कंटेनर में भरा भराया मिलेगा। सो वही है। एंड यहाँ पे पीहू से मैं कुछ कुछ उससे क्वेश्चन भी पूछती जा रही हूँ, अभी ना उसके टेस्ट चल रहे हैं तो बीच बीच में कभी कभी रिविज़न कराते रहो तो सही रहता है। एंड मैंने बताया ना आपको कि मैंने शॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, अब बहुत ही कम समय बचा है, सो किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मंगाया है। अभी तो बस स्टार्टिंग किया है सामान मंगाने की, तो चलो मैं ये सब सामान जो दो ही तीन आइटम है जो है उसको मैं रख करके फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। ये एक और पार्सल जस्ट अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है एंड ये भी मंगाया है मैंने, सो इसको ओपन करते हैं। हेलो हेलो यार, बहुत भूख लगी है। आपको बस भी भूख ही लगती रहती है। गुड इवनिंग। खाना बन रहा है अभी दोस्तों, 6:15 भी नहीं बजे, ये घड़ी हमारी 10 मिनट फास्ट है और इनको भूख लग रही है। ऐसा थोड़ी ना होता है, जल्दी आ जाओ तो जल्दी खा लो। जहाज के टाइम से भूख, एक टाइम होना चाहिए खाने पीने का। तो 6:15 बजने वाले हैं और यहाँ पे पानी गर्म कर रहे हैं पापा। हेलो पापा जी, पानी गर्म कर रहे हैं, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। पीयू खेल रही है। हेलो पीयू। पीयू की फ्रेंड चली गई है। बारिश हो रही है, ये देखो मम्मी यहाँ बैठी हैं, बारिश सब्जी छौंक दिया है। मम्मी किस चीज़ की सब्जी बना रही हैं? आलू प्याज। आलू प्याज आज सब्जी आ नहीं पाई है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, 2 दिन से लगातार ये भी बारिश चली रही है। बारिश बारिश बारिश, कपड़े भी सूखते नहीं हैं, जगह जगह कपड़े फैले मिलेंगे बम्बई में सभी घरों में। पियो जाओ पानी पियो आप भी, चलो वाटर टाइम। तो यही है भाई, बारिश चल रही है। और कैसा था बाहर आने जाने में, कितना टाइम लगा आपको? हैं, बाहर आने जाने में तो खैर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। बहुत ज्यादा टाइम, थोड़ा जल्दी आ गया ना तो फिर ठीक हो गया। अभी तो बहुत ज्यादा ही टाइम लग रहा है। अभी देखो मैं गूगल मैप में देखता हूँ मेरे ऑफिस से कितना टाइम लग रहा है। सड़कों में पानी भर रहा है। पीहू की स्कूल की छुट्टी हो गई थी क्योंकि कल भी सारा दिन बारिश ही हुई है और आज भी सारा दिन बारिश 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 ही हुई है। सो यही है। और खाना बन रहा है आज, आलू प्याज की रसेदार सब्जी एंड रोटी चपाती, दाल भी है सुबह की, वो फ्राई हो जाएगी। और मैं अभी थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, आज अच्छी लग रही हूँ, तैयार हुई हूँ ना। कितने दिनों के बाद मैं तैयार हुई हूँ। रोज होना चाहिए ना तैयार, तो रोज होना चाहिए। अभी मेरे को भी अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने में क्योंकि तैयार ही नहीं होते हैं। एक रील है किसके लिए तैयार होए, कहाँ जाएं, ऐसा करके वो भी बनाऊंगी मैं रील। आज मैंने एक दो रील भी शूट करी है, इंस्टा पे फॉलो करो। खाना लगाए? हाँ। तुम क्यों बैठ रही हो फोन लेके? हाँ, खाना। बैग लग गया बेटू? चलिए रख दीजिए बैग उठा के बाहर। हमारी पीयू खुद से बैग लगा लेती है। वेरी नाइस, थैंक यू पीयू, कम। ओके गाइस, अभी न्यूज़ चल रहा है, मैंने डिनर कर लिया है, मम्मी खाना खा रही हैं, पीयू ने बैग भी लगा लिया है। अभी पीयू बस एक बार रीडिंग करेंगे, ठीक है? हाँ। क्या है, कौन लेसन का नेम बताओ?
बारिश अभी थोड़ी सी हल्की हुई है बट अभी भी बारिश हो रही है। आज मम्मी पापा सोच रहे थे सब्जी लेने जाएंगे बट सब्जी घर में ख़त्म हो गई है और सब्जी लेने जा नहीं पाए, ऑनलाइन मंगाया था। क्या है लेसन? नहीं, कल जिसका एग्जाम टेस्ट है आपका, द मैजिक पॉरेज पॉट, इसका कल पीयू का टेस्ट है, क्लास टेस्ट चल रहे हैं। आज वाला टेस्ट तो पोस्टपोन हो गया, मैंने बताया, अभी उसकी डेट नहीं मिली है। चलो जल्दी से हम इसकी रीडिंग करेंगे और जो इसके डिक्टेशन वर्ड्स हैं वो एक बार रिविज़न करेंगे। तो चलो इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ एंड आई होप आज के ब्लॉग को आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा एंड आगे के और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए इंटरेस्ट बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय।